यहाँ है कि जमुना जी आमती आई थे गांव को नाम पर हो जमुना तो। और भागवत जी को उठा के देखो तो गिरिराज जी के निकट यमुना जी का वर्णन है। इस दृष्टि से ध्रुव पराशराभीष्ट दे जो वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने यमुनाष्टक में कहा है, ध्रुव पराशराभीष्ट दे यमुना जी को कहा है, तो ध्रुव जी को ब्रज में यमुना जी के तट पर ब्रज में ही मधुबन में भगवत साक्षात्कार होता है, तो पराशर ऋषि को इसी पराशौली में भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी की पुत्र रूप से प्राप्ति होती है वल्लभाचार्य जी के अनुसार। क्योंकि महर्षि पराशर की तपस्थली है पराशौली गांव, और व्यास जी का नाम है कृष्ण द्वैपायन, तो एक धारा जमुना जी को गई और एक धारा गिरिराज जी हो के वृंदावन को चली गई, एक धारा उधर हो के गई होगी, एक धारा इधर हो के निकल के गई होगी, तो बीच का द्वीप बना कि नहीं बना? व्यास जी का जन्म यहाँ हुआ। इस प्रकार का विचार किया जाए, हम ये नहीं करें कि कालपी में जो मान्यता है वहाँ नहीं व्यास जी का, वहाँ भी जन्म हुआ, लेकिन महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के यमुनाष्टक के प्रमाण के अनुसार ध्रुव जी को सिद्धि लाभ यहाँ मिला, तो महर्षि पराशर को यमुना जी में सिद्धि लाभ मिला, वो यही स्थल है। इसलिए रश्मि भाई के मन में एक विचार उठा था कि यहाँ व्यास जी की भी मूर्ति स्थापित हो, जिसमें कम से कम लोगों को पता चले कि यहाँ भगवान व्यास की प्राकट्य स्थली है, और भागवत के उपासकों के लिए तो ये बहुत ऊंची बात होगी, गौरव की बात होगी, और पराशौली गांव के लिए तो क्या कहना, ये परम गौरव की बात हो। ध्रुव पराशराभीष्ट दे, और हम तो कहेंगे कि ध्रुव पराशराभीष्ट दे इस पंक्ति का बहुत विस्तृत व्याख्यान, शोधपूर्ण व्याख्यान होना चाहिए, और प्राचीन प्रमाण भी खोजने का प्रयास करना चाहिए, ऐतिहासिक जो तथ्य हैं उनको भी खोजने का प्रयास करना चाहिए, और ऐसा होता है तो बहुत ब्रज के लिए बहुत अच्छी बात है।